नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन नाइन न्यूज। एसपीएन नाइन न्यूज में आज बातचीत करेंगे कि योगी सीएम योगी को अखिलेश यादव ने जबरदस्त तरीके से जवाब दिया। कई सालों से सोशल मीडिया पर वायरल एक क्लिप को शनिवार को सीएम योगी ने विधानसभा में पढ़ा और अखिलेश यादव पर निशाना साधा था। सीएम योगी ने अपनी सरकार में हो रही पारदर्शी नियुक्तियों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि अखिलेश सरकार में 86 में से 56 एमसीडी एसडीएम एक ही जाति के चुने गए थे। योगी के आरोपों का सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को जवाब दिया। सीएम योगी ने भले ही किसी जाति का नाम नहीं लिया था, लेकिन अखिलेश खुलकर बोले। अखिलेश ने कहा कि यहाँ सभी को पता है कि जाति का मतलब क्या है। अखिलेश अपनी सरकार में एसडीएम बने सभी जातियों की लिस्ट लेकर विधानसभा पहुंचे थे। अखिलेश ने बताया कि 2011 में 86 में से 56 नहीं केवल 5 एसडीएम यादव जाति के चुने गए थे। उन्होंने बताया कि 2012 में से 4 यादव, 2013 में 6 यादव और 2015 में 3 यादव चुने गए थे। अखिलेश ने योगी की तरह इशारा करते हुए दोहराया कि उन्हें अपनी बात को साबित करने के लिए सदन में 86 में से 56 यादव वाली सूची रखनी चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ उनके पिता को लेकर भी उन पर हमला बोलते नजर आए थे। यहाँ तक कि छक्के जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी हुआ था। और उसके बाद हमारा अपने देखा कि किस तरीके से अखिलेश यादव हालांकि सुनते रहे उन्होंने, लेकिन एक इस शानदार इशारों में उन्होंने कहा कि ये संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति इतनी नीच बात को अपने सामने रखता है, इससे बड़ा मेरे परिवार ने ऐसा शिक्षा या मेरे पिता ने ऐसा शिक्षा हमें नहीं दी है। और इसीलिए उन्होंने सीएम योगी को जमकर हमला बोला। आप लोगों ने देखा, पद्मश्री से उन्हें नवाजा गया, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ इस तरह से तिलमिलाए। वाकई में लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं कि आखिर योगी जी ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, एसपीएन न्यूज़।